अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको कैद ड्रामे की किस्त नंबर 21 में क्या हुआ और 22 में क्या होगा बताने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, किस्त नंबर 21 में आशर अदन की डायरी पढ़ता है, जिसमें अदन ने साफ लिखा हुआ था कि टीचर रेहाम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। टीचर रेहाम अपने किसी कज़न से शादी करने जा रही हैं, वो जानती नहीं कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। रेहाम पापा भी से कहती है कि मैंने आशिर की आंखों में अपने लिए इतनी शदीद नफरत देख ली है पापा भी कि समझ नहीं आता कि इस जज्बे को क्या नाम दूं। पापा भी रेहाम से कहती हैं, तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? वो खुद ही जवाब देते हुए कहती हैं, वो इसलिए कि आशिर भी तुम्हें दिल से बेगुनाह कबूल कर चुका है। आशिर का दिल बहुत परेशान रहता है, उसे किसी सूरत सुकून महसूस नहीं होता। दूसरी तरफ फरा रेहाम से कहती है, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती तुम? कितना बर्दाश्त करोगी? हम तुम पर जुल्म कर 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 थक गए, तुम सह सह कर नहीं थकी अभी तक? वो हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। रेहान फरा से कहती है, एक बात आप भूल रही हैं फरा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, ना ही अपनी मर्जी से जा सकती हूँ। किस नंबर 22 में आप देखेंगे कि आशर अदन की डायरी पढ़ते पढ़ते इस हकीकत तक पहुंच जाता है कि उसे पता चल जाता है कि रेहाम का कसूर नहीं था, सारा अदन की अपनी नासमझी का कसूर था। वो तो इन बातों से अनजान थी इन सब से, और वो कैसे अदन की इस बात को मान सकती थी कि इसकी चाहत को कबूल कर ले। अदन की डायरी में लिखी हुई बातों से आशिर जान जाएगा कि रेहाम का इस मामले में कोई कसूर था ही नहीं। जो थोड़ी बहुत हलश रह जाएगी वो सबूर के बताने से साफ हो जाएगी। इसीलिए इसका दिल रेहाम को देखकर तड़पता है कि वो उस जुर्म की सजा भुगत रही थी जो असल में उसने किया ही नहीं था। रेहाम की गलती ये थी कि उसने अदन के एक मैसेज का जवाब दिया, मगर वो मैसेज भी असल में रेहाम ने नहीं किया। आशिर को समझ नहीं आती कि कैसे रेहाम को बेगुनाह साबित करे। रेहाम आशिर की मुरझाई हुई हालत देखकर उससे बात करने की कोशिश करेगी, मगर फरा उसे बात करने का मौका नहीं देगी। दूसरी तरफ तौफीक साहब सोफिया आपा से इसरार करेंगे और कहेंगे कि मेरी बेटी रेहाम के होते हुए कैसे खुश रह सकती है? आप आशिर को कहें रेहाम को तलाक देकर यहां से निकाल दे, खत्म कर दे अभी उसकी सजा, बाकी सजा खुद खुदा उसे देगा। जो जो आशिर पर रेहाम को तलाक देने का दबाव बढ़ता जाता है, उसे ऐसे महसूस होगा जैसे कोई उसकी आहिस्ता आहिस्ता जान निकाल रहा हो। दूसरी तरफ रेहाम को जब पता चलेगा कि आशिर उसे तलाक देने वाला है, वो बहुत परेशान हो जाएगी। वो अल्लाह से इल्तजा करेगी कि या अल्लाह, मैं एक दफ़ा तलाक का धब्बा सह चुकी हूँ, दोबारा इस कलंक को बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। रेहाम आशिर से भी कहेगी कि मुझे तलाक मत दीजिएगा, मैं सारी उम्र एक कोने में पड़ी रहूंगी, आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, खुदा के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें।
हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।